हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। जो मेरा पुराना वीडियो था, आप सब ने लाइक किया, कमेंट किया, बहुत ही अच्छा कमेंट्स था कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप प्लीज और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। तो मैं आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे अब वीडियो बनाने आया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मेरा जो नया अपलोड होगा वो आप लोग उसको देख सकें। जिन्होंने भी मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूं, आप जाके उस वीडियो को देखें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फायर। फायर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक जगह, चाहे आप कहीं काम कर रहे हैं या आप कहीं विजिट पे हैं या इंडस्ट्री पे हैं या घर पे हैं, हर एक जगह आपको वो चीज़ काम आएगा कि फायर क्या होता है, फायर का क्लास क्या है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं समय ना गंवाते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है फायर, फायर क्या होता है, ठीक है। तो फायर, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फायर एक केमिकल चेन रिएक्शन है। केमिकल चेन रिएक्शन किस चीज का? तो फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट का। फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट का, फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट का जब एक रिएक्शन होता है तो उसे फायर उत्पन्न होता है। इसीलिए कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि फायर का ट्रायंगल होता है। नहीं, फायर का ट्रायंगल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे बॉडी में, लोग बोलते हैं हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये रहेगा तीनों तो फायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी जल सकता है लेकिन इसमें हीट भी है या टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग एरिया में भी है, लेकिन और ऑक्सीजन भी है लेकिन जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उसका सफिशियंट अमाउंट जो हो, जो चेन रिएक्शन होने के लिए चाहिए वो सफिशियंट अमाउंट नहीं रहता है। तो जब तक सफिशियंट अमाउंट नहीं मिलेगा तब तक आपको आग नहीं लगेगा, ठीक है। इसके लिए ये आपको चारों चीज होना जरूरी है, फ्यूल ऑक्सीजन हीट एंड सफिशियंट अमाउंट। इन तीनों का सफिशियंट अमाउंट होगा तभी जाके आपको आग लगेगी, ओके। अब हम आते हैं क्लास ऑफ फायर। तो क्लास ऑफ फायर में आपको पांच भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड लास्ट वन क्लास के, जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। क्लास के क्या है? क्लास के होता है किचन फायर। किचन फायर को क्लास के बोला जाता है। उसको इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि किचन में हर तरह का फायर अवेलेबल होता है, हर क्लास ऑफ फायर होता है, जिसमें कि आपको सॉलिड मटेरियल भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, कुछ मेटेलिक भी मिलेंगे। इसीलिए किचन को एक अलग ही पार्ट रखा गया है, ठीक है। ये क्लास ऑफ फायर क्यों बांटा गया, इसके पीछे रीजन है। जब तक हम क्लास ऑफ फायर को नहीं बांटेंगे तब तक हमको एक्सटिंग्विश या बुझाने का जो ये है वो नहीं हो पाएगा। तो जब तक हम उसको जानना है, उसको बुझाना है, तो हमें क्लास ऑफ फायर जानना जरूरी है। जैसे क्लास ऑफ फायर जानेंगे हम उसको बुझा सकते हैं। जैसे कि सॉलिड मटेरियल, जितने सॉलिड मटेरियल होंगे उसको हम क्लास ए में रखते हैं। सॉलिड मटेरियल पेपर, कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक जो भी है वो सॉलिड मटेरियल आते हैं, सॉलिड मटेरियल को क्लास ए बोला जाता है। लिक्विड, लिक्विड जो होता है क्लास बी होता है। फ्लेमेबल गैस, इलेक्ट्रिकल क्लास सी होता है। मेटेलिक क्लास डी होता है एंड किचन क्लास के होता है। ये क्लास ऑफ फायर इसलिए बांटा गया है ताकि इसमें से ये क्लास में हम क्या चीज आसानी से निकाल सकते हैं। वो जब जो मैंने आपको चार चीज बताया, वो चार चीज में से एक चीज भी अगर निकाल देंगे तो हमारा आग बुझ जाएगा। अगर कहीं हीट निकाल दिया, ठीक है, ऑक्सीजन निकाल दिया, फ्यूल निकाल दिया, सफिशियंट अमाउंट निकाल दिया तो आग बुझ जाएगा, ठीक है। अब हम आग बुझाने की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे स्मूथरिंग, स्मूथरिंग क्या होता है? एक कवरिंग, दोनों के बीच में एक कवर डाल देना, ब्लैंकेटिंग कर देना, ठीक है। तो क्लास बी में क्या होता है कि लिक्विड होता है, अगर उसके ऊपर हम फोम टाइप का अगर फायर एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज करते हैं तो फ्यूल फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में एक ब्लैंकेटिंग हो जाता है, एक ब्लैंकेट के नुमा उसमें एक परत जम जाता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन और जो फ्यूल, ऑक्सीजन और जो ये आपका फ्यूल है उसके बीच में, आग के बीच में एक वो ब्लैंकेट हो जाता है जिससे कि आग बुझ जाता है। ये आपका हीट, जैसे कि क्लास ए में, क्लास ए जो फायर है उसमें क्या करेंगे, जैसे हम
ऊपर कुछ डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होगा, वो कूल करेगा, ठंडा करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा। जब हीट को ऑब्जर्व करेगा तो उसे हम बोलते हैं कूलिंग, उसे उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कूलिंग। ये थर्ड है स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, भूख को मार देना। दैट मीन्स अगर जो जलने वाला पदार्थ है अगर उसी को हम हटा देते हैं, जैसे कि कोई गैस जलने वाला है अगर हम उसी को वहां से हटा देते हैं, जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होगा, अगर हम डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होगा, CO2 भारी है, वहां जैसे पहुंचेगा अलग गैस, जो हल्की गैस है वहां से हट जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, जलने वाला पदार्थ ही वहां से हट जाएगा। जब जलने वाला पदार्थ हट जाएगा तो आग बुझ जाएगा, इसीलिए बोला जाता है स्टारवेशन। स्टारवेशन का हिंदी होता है भूख को मार देना। इसके बाद आता है इनहिबिएशन। एक वर्ड होता है इनहिबिएशन, जो सफिशियंट अमाउंट होता है, सफिशियंट अमाउंट का जो अगर कटअप कर देते हैं या उसको हम डिसबैलेंस कर देते हैं तो फिर भी आग बुझ जाएगा। ये है हमारे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। टाइप्स ऑफ, इसमें आपको वाटर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि अगर कोई भी गलती से भी अगर उसको गलत फायर एक्सटिंग्विशर गलत जगह पे यूज कर दे रहा है तो हमारे लिए वो खतरा पैदा कर देगा। मान लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर लगा हुआ है, अगर कोई उसमें वाटर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज कर दिया तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। अगर कोई क्लास बी में फायर लगा हुआ है, ठीक है, डीजल में या कहीं लगा हुआ है, अगर कोई उसमें वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या गया, वाटर इज हेवियर देन ऑयल, तो क्या करेगा, पानी नीचे बैठेगा, नीचे जैसे बैठेगा तो ऑयल ऊपर आएगा तो आग को और बढ़ा देगा। तो इसीलिए ये तीनों फायर एक्सटिंग्विशर को ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। होम आपका क्या है, डीजल एंड पेट्रोलियम पदार्थ जो भी लिक्विड होता है उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करते हैं होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड गैस फायर के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड गैस फायर के लिए हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर को ABC बोला जाता है। ABC इसलिए बोला जाता है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये तीनों क्लास के फायर के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है कि क्लास जो ये ड्राई केमिकल पाउडर है वो आपको क्लास एक के जो फायर है वो टोटली उसको बुझाता नहीं, उसमें फ्लैश पॉइंट बच जाता है लेकिन उसको मिनिमाइज जरूर कर देता है। इसीलिए और इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं तो विजिबिलिटी नहीं होती, तो इसको डिस्चार्ज करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान होना जरूरी है कि हवा का डायरेक्शन क्या है, हवा का डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। जब तक हवा का डायरेक्शन पता नहीं रहेगा हमें डिस्चार्ज नहीं करना है, ओके। हवा का डायरेक्शन पता होगा उसी अनुसार हमें उसे डिस्चार्ज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको चलाने से पहले हमको क्या ध्यान देना है, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पे हमको ये ध्यान देना है कि ये जो एरिया है जहां से हम डिस्चार्ज करते हैं उसका हैंडल हमेशा प्रॉपरली रबर का रहना चाहिए। और हम उसको करने तो क्या होगा, यहाँ फ्रीजिंग होता है तो क्या होगा, बर्फ जमेगा तो हमें कोल्ड बर्न होने का चांसेज बढ़ जाएगा, ठीक है, कोल्ड बर्न होने का चांसेज बढ़ जाएगा तो इसके लिए। और दूसरा, जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो वहां ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है, तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जिस एरिया में हम इसको डिस्चार्ज करें वहां पे कोई दूसरा आदमी ना हो जिसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। विंड का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए कि विंड कौन से एरिया से जा रहा है, हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको डिस्चार्ज करना है। ये DCP है, DCP में हमको ये ध्यान देना है इसका जो होस है, होस को हमेशा होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं कि हमको ट्रायल पर्पज के लिए थोड़ा आउटसाइड में हम उसको यूज करें, नहीं, हमको उसके मेथड के स्वेपिंग मेथड या RMO मेथड, जो भी मेथड हमको इसको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पकड़ के रखेंगे। नहीं तो क्या, जैसे इसको अगर हम छोड़ देंगे और हम प्रेस करेंगे तो ये प्रेशराइज रहेगा और जो नोजल जो होस है वो हमको हीट कर सकता है, तो उसको हमें होस को पकड़ के ही रखना है ताकि वो हमें हीट ना करे। ये मैं आपको बताया कूलिंग, स्टारवेशन, स्मूथिंग एंड इनहिबिशन, ये मेथड होते हैं, ठीक है।
कि कैसे उसको एक्सटिंग्विश किया जाए, और ये टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विश मीडिया है। ये कुछ सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, किसके लिए, कौन से क्लास के लिए कौन कौन से सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला डीसीपी उसके लिए अनसुटेबल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पूरे उस तरफ पूरे तरह से उसको वो खत्म नहीं करता है, उसमें फ्लैश पॉइंट बच जाते हैं। हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए लोकेशन एंड जॉब क्या है, आइसोलेट प्रॉपर होना चाहिए, सबका ट्रेनिंग होना चाहिए, जो लोग होंगे प्रॉपर जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे उसका ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो खतरा पैदा कर सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर का डिवाइस हमेशा चेक होना चाहिए, नहीं तो क्या है कितने दिनों से पड़ा हुआ है, उसका होस खराब है, कहीं ना कहीं कुछ खराबी है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ और भी वीडियो बना के लेके आऊं। प्लीज थैंक यू वेरी मच।